आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। एक बार फिर मैं यूनिक केस सीरीज को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा यूनिक केस सीरीज का 31st केस है। इस केस के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करने से पहले आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं। और एक रिक्वेस्ट अपने सभी व्यूअर्स से, इस पूरी वार्ता को सुनने के बाद अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि एक्चुअली में इस केस में इस पशु को कौन सी बीमारी है। इसको कितना दिन से समस्या है? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना से? हाँ। क्या समस्या हो रहा था इसको? पहले आए नहीं खा रही थी। हाँ? तो एक डॉक्टर आए तो बोले सर्रा है। हाँ? तो पहले दिन ही? हाँ। टेम्परेचर कितना नापे? पता नहीं नापे कि नहीं खा रही। अच्छा, ये नहीं पता है। हाँ। नापे है कि नहीं नापे? नापे ना, पहले वाले डॉक्टर नापे ना, पहले वाले नापे नहीं। अच्छा, तो उन्होंने कहा सर्रा है, तो सर्रा का इलाज किया होगा, इंजेक्शन लगाए। ये कितना दिन पहले? वो शुरू में एकदम स्टार्ट में। अरे स्टार्टिंग कितना दिन? एक महीना पहले। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट आया? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वो जब बताए कि सर्रा है और उसका इलाज किए तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला? नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद दूसरे डॉक्टर को हम, हाँ, तो वो आए टेम्परेचर ना, बोले हाई है टेम्परेचर। अच्छा, तो इंजेक्शन दी। अच्छा, तो एक बार इलाज किए हैं वो? नहीं, वो कई बार आए हैं। कितनी बार आए? कई बार, तीन बार आए हैं। तो तीनों बार जब इंजेक्शन लगाते थे उससे कोई फर्क पड़ता था कि नहीं पड़ता था? कुछ नहीं फर्क पड़ता था। इसके बाद दो हो गए, उसके बाद भी कोई आया है? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आया। तो चारा एकदम से नहीं उठा रही है, जीने भर का कुछ खा रही है? तो ये बाहर जाती है तो थोड़ा थोड़ा चुंगती है बस, इतना ही। अच्छा, जैसे बाहर जब चराने के लिए ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेती है। पेट में बच्चा है क्या? कितने महीने की गर्भित है? 7 महीने की गर्भित है। कभी सरा वराव तो नहीं गिराई थी? उस तरीके का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जुगाली करती है कि नहीं करती है? जुगाली मतलब पागुर करती है कि नहीं? पागुर बिल्कुल नहीं। पागुर भी 1.5 महीना हो गया, पागुर ना ले से। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना आएगा। अरे तो पहले कंफ्यूज ना करो यार, 1 महीना है कि 1.5 महीना है कि 2 महीना है? 1 महीना। चलो कौनो बात नहीं ना। ये नाक से जो नेटा गिरत बाटे ये कितना दिन से गिरत बा? तभी से गिर रहा है। हाँफत वाफत ना ज्यादा? हाँफ नहीं रही है। मुँह से लार तो नहीं गिरा रही है? मुँह से लार भी नहीं गिरा रही है। इस केस में जैसा कि पशुपालक ने बताया कि कुछ लोग बता रहे थे कि गर्भित है और कुछ लोग बता रहे थे कि गर्भित नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए मैंने इसका पीडी किया। पीडी में जो मैंने पाया कि ये एनिमल लगभग 8 महीने के ऊपर की गर्भित है। इसके अलावा एक और चीज़ पाया कि उसका जो फीकल मटेरियल था वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका था, बहुत हार्ड था और एकदम ब्लैक कलर का था। इसके अलावा रेक्टल पल्पेशंस में एक और स्पेशल चीज़ हमको समझ में आई कि उसके जो इंटेस्टाइन, जो रेक्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन वाला लेयर था, अंदर वाली लेयर, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नेचर का हो गया था और उसमें काफ़ी मात्रा में इन्फ्लामेशंस नज़र आ रहा था। मतलब जब आप रेक्टल पल्पेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता था कि जो इंटेस्टाइन है, जो रेक्टम है, उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस केस में पीडी करने के बाद जब इसका टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर 100.4 डिग्री फारेनहाइट मिला, जो कि एकदम नॉर्मल था। इसके साथ में इस एनिमल का जब म्यूकस मेम्ब्रेन एग्जामिन किया गया तो वो स्लाइटली वाइटिश कलर का था, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं था और लेकिन बहुत ज़्यादा पिंक भी नहीं था। इस केस में म्यूकस मेम्ब्रेन एग्जामिन करने के बाद मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा र्यूमन मोर्टेलिटी एग्जामिन कर लेते हैं। र्यूमन मोर्टेलिटी हमको जो मिला बहुत लो मिला, मतलब ऐसे 3 मिनट तक मैंने हाथ अपने रखे रहा और 3 मिनट में एक बार हमको ऐसा महसूस हुआ कि र्यूमन की मोर्टेलिटी बढ़ी है, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी था वो बहुत कम था। मतलब जिस प्रेशर से हमारा हाथ ऊपर की तरफ आना चाहिए था उस प्रेशर से नहीं आ रहा था। इस केस को प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद, पशुपालक से हिस्ट्री लेने के बाद मैंने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस किया बनाया। इसको पार्ट 2 में देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।